हमारी गाड़ी में हवा कम नहीं थी बट हमने बहुत पहले भरवाई थी। नो मीट और अब 322 किलोमीटर सीधा ही जाना है इसी सड़क पे। कब कौन सा व्यू आ रहा है? का ट्रिप हम कैंसिल कर रहे हैं वाइल्ड फायर की वजह से। कुकू की एनर्जी वापस आती जा रही है। कुकू है तो जादू है। अब आपको दिखाते हैं चलती हुई गाड़ी में आईलाइनर कैसे लगा। स्पीड अप। गाइस ये सब वाइल्ड फायर की वजह से हुआ है। पूरे देखो पूरे पेड़ खत्म हो चुके हैं यहाँ पे सारे। बुरा हाल हो गया यहाँ पे। गाइस अनदर स्टॉप और ये स्टॉप है डेरी क्वीन पे। ह्यूज शाउट आउट टू देयर शेक्स। मैंने सुना था इनकी शेक्स बहुत टेस्टी है। मतलब अगर तुम्हें प्रॉपर थिक आइसक्रीम शेक्स पसंद है ना लगे तो मैं आइसक्रीम दी है। सुपर नींद आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सीधी 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 रोड है ठीक है, तो इतनी नींद आने लग जाती है यहाँ पे कोई हद नहीं। कीरत वॉशरूम में पता नहीं कहाँ गई है, बहुत नींद आ रही है यार। कब पहुँचेंगे जैसपर सोना है। काफी सुंदर है बट इतनी लॉन्ग ड्राइव है और बिल्कुल सीधा सीधा सीधी सीधी बोरिंग ड्राइव हाईवे है तो फ्यांचो को काफी बोरिंग लगी। पहले सुंदर लगता है एक घंटा डेढ़ घंटा, फिर दो घंटे ढाई घंटे तीन चार पाँच छह आठ हो गया। आठ घंटे हो गए पूरे। सीधा सीधा चलते रहोगे यार कब तक? वही चार पेड़ों को देख के तुम ऐसे हो गए वाह क्या सीधे खड़े, वाह क्या ऐसे हरियाली। जस्ट आवर ओपिनियन। हाँ मतलब आई मिस ड्राइविंग इन इंडिया एट अ डिफरेंट लेवल बिकॉज यहाँ पे क्या है स्पीड लिमिट को फॉलो करना ही करना है। एक दूसरे की वेरी पीसफुल ड्राइव ना। हाँ बाकी पीसफुल ड्राइवर अच्छी बात है। वो सैड के वाइल्ड फायर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा स्मोकी हो रखा है। विजिबिलिटी कम है पहाड़ों की, बहुत ही कम है। Like we are only able to see जो बहुत पास में है, दूर वाले तो दिख ही नहीं रहे। वो आपने देख ही लिया होगा कि बहुत ज्यादा विजिबिलिटी लाइक दूर वाले पहाड़ों की तो बहुत ही ज्यादा कम है। अभी जैसे यहाँ पे सामने तीन पहाड़ है, एक दो और तीन, तीसरा वाला बर्फ वाला भी है। वो बर्फ से देख पीछे वो बर्फ बर्फ दिख रही है। ओ, 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 इतनी कम विजिबिलिटी है, वो ऊपर तक है। वहाँ ऊपर ये वो क्लाउड्स है? नहीं नहीं भाई तो बहुत सुंदर लग रहा है। गाइस आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक माय वर्ड्स बैक। अभी हम लाइक 59 मिनट्स रह गए जैस्पर जहाँ पे हमने पहुँचना है व्हिच इज 93 किलोमीटर्स। तो अब प्रॉपर वो पहाड़ रॉकी माउंटेन्स वाले स्टार्ट हो गए हैं। ओ बर्फ दिखनी शुरू हो गई फाइनली। Pianchu was waiting कि मुझे बर्फ कब दिखेगी। तू 8 घंटे के बाद कुछ अलग से बर्फ दिखी ना तो हम थोड़े एक्साइटेड हो गए। So, हम पहुंच गए हैं जैस्पर नेशनल पार्क की ये जहाँ टिकट कटेगी हमारी और ये चार्जेस हैं और 2 से 7 लोग हैं। अच्छा मतलब अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो आपका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है बट हमारे $20 ही लगेंगे। गाइस अब उम्मीद है कि हमें कुछ बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे भालू शालू इधर उधर भाग रहे हो हिल रहे हुरने तो हमारे $20 लगे। अगर गाड़ी में और लोग होते या फिर हम बड़ी SUV में आए होते तो भी हमारे सिर्फ $20 लगते। किस बच्चे ही कर लेते यार पैसे बचाते। जॉक्स है पगली एक्साइटेड हो जाती लड़की 2 मिनट में। Not feed or approach the wildlife. ये भी बात है।
और जब भी अगर कुछ तुम्हें दिखे और वो क्यूट सा लग रहा हो यहाँ पे, हमेशा हर इंसान ने यही बोला है, मैंने जितनी भी रिसर्च की है, कि जितने भी मासूम से मासूम भी लग रहे हो तुम्हें कोई भी वाइल्ड लाइफ, प्लीज उनको जाके प्यार से कुछ भी मत करना। जैसे मुझे आदत है एनिमल्स को प्यार करने की, वो तो बिल्कुल नहीं करना यहाँ, तो मेंटेन स्ट्रिक्ट डिस्टेंस विद देम। ये आ गए हैं हम जैस्पर नेशनल पार्क। तो हम पहुंच गए फाइनली जैस्पर, हमारे हॉस्टल में जहाँ पे हम रुक रहे हैं, और इसका नाम है हाई जैस्पर। हाई का हम हाई बोलते, वैसे हाई 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 नहीं है, इट्स हॉस्टल इंटरनेशनल। सो लेट्स जस्ट सी आफ्टर चेक इन, मिलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है एटमॉस्फेयर। सो हम चेक इन कर चुके हैं एंड लेट मी शो यू दिस हॉस्टल, इट्स सो नाइस। लेट मी शो यू दिस, देयर्स द पूल टेबल, हैव फन, एंजॉय, ये कैफेटेरिया है। सो यहां पे यू कैन जस्ट ऑर्डर योर फूड एंड ईट, एंड प्लस अभी आगे चलते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि एक तो यहाँ पे ना यू मीट लाइक माइंडेड पीपल, एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग लाइक इन स्मॉल ग्रुप्स, लाइक मैं और किरत अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, हम दो लोग हैं, तो वी कैन मीट, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स, ये वाली चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे है सारा वर्क स्टेशन जहाँ पे अभी मेरे को असाइनमेंट्स वगैरह करनी है, सो आई एम जस्ट गोना वर्क हियर, सो नाइस एंड क्वाइट। हम लोगों ने स्पेसिफिकली ये सारी चीजें इसलिए चूज करी थी क्योंकि आज मेरे को बहुत सारी काम करना है, वीडियो एडिट करनी है, और कीरत की असाइनमेंट्स ड्यू हैं जो हम पहले ही बता रहे हैं, तो वहाँ पे काम करेंगे और इट इज गोइंग टू बी सो रिलैक्सिंग, जैसे हम घर पे काम करते हैं वैसे वाला होगा, बिकॉज प्रॉपर डेस्क है, लाइक इट्स नॉट लाइक यू, दिस वाईफाई एंड एवरीथिंग इज देयर। प्लस द बेस्ट थिंग इज जो हमें जनरली होटल्स में नहीं मिलती, ठीक है, और यहाँ पे ना जो बेस्ट बात है वो है नेटवर्किंग और ब्रेक योर आइस विद स्ट्रेंजर्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स, दैट दिस व्हाट आई एम। सो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे एक प्रॉपर मूवी रूम है जो मैं दिखाता हूँ अभी। सो दिस इज द एंटायर मूवी रूम एंड अभी कोई देख रहे हैं, सो वी विल नॉट डिस्टर्ब इट। Sorry guys. Maybe we should text them. Pardon? Yeah. What are you guys doing? Oh, we're just making our YouTube video for our channel. Oh, what's your channel called? Piyanshu and Peter. तो वो लोग देख रहे थे, and यहाँ पे तुमने देखा कोई mind नहीं करता कि तुमने आके disturb कर दिया हमें, friendly से atmosphere रहता है, and मेरे को दो subscribers और मिल गए by the way. So, and it's so clean as well, like it's so nice. It's very hygienic. तो चलो तुम्हें अब rooms दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने बुक किया था तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक डॉर्म्स में रह सकते हो आप जहाँ पे आपको चार लोगों से बेड शेयर करना पड़ता है, या फिर आप प्राइवेट रूम ले सकते हो। प्राइवेट रूम हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, हम लेट हो गए थे बुकिंग के लिए क्योंकि हमारा प्लान लास्ट मिनट बना, तुम लोग देख ही रहे होगे, बट आई शो यू एंड दिस इज द एंटायर रिसेप्शन। सो दीस गाइस हैव रियली हेल्प्ड अस टू चेक इन। यहाँ पे भी सिंक है। और चलो अब आपको अंदर दिखाते हैं। सो ये फर्स्ट बेड, सेकंड बेड,
जो ये आए नहीं है, सो वी रिक्वेस्टेड देम कि हमें प्राइवेट दे दो, तो यहाँ पे कोई आएगा नहीं, तो लकी फॉर अस। एंड ये वाला मेरा बेड है, ये वाला कीरत का बेड है, ठीक है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने हॉस्टल क्यों लिया है। ट्रस्ट मी, इसका आंसर तभी पता लगेगा जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते। गाइज, नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर प्लानिंग एनी ट्रिप, डू कंसिडर अ हॉस्टल, एनी हॉस्टल, जस्ट चेक द रिव्यूज। इंडिया में भी बहुत सारे हैं, हॉस्टल्स के नाम पे हैं। मैक्लॉडगंज में गया था तो वो भी वीडियो में हॉस्टल में रुका था। आई हैव मेड गुड फ्रेंड्स, इनफैक्ट हमें बहुत मजा आता है। जब हम यूरोप गए थे तो हम एक बार एम्स्टर्डम में हॉस्टल में रहे थे। वो एक्सपीरियंस के बाद ना हमें ऐसा लगा कि यार हॉस्टल पे जरूर रहना चाहिए। एंड यूरोप में तो हॉस्टल्स आर वेरी फेमस, और हमें था कि कनाडा में भी हम एक बार देखें कि हाउ द हॉस्टल्स आर हियर, बिकॉज़ लाइक आई सेड, वहां पे किचन होती है, यू जस्ट कुक योर ओन फूड एंड एवरीथिंग, है ना। मतलब यू हैव, ऐसा लगेगा तुम घर पे ही रह रहे हो, आराम से चिल सीन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यार, कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई आके तुम्हें तंग करेगा यहाँ पे रहते हुए। वेरी नाइस, एवरीबॉडी नोज़ के है ना प्राइवेसी सब, एवरीबॉडी इज वेरी एडजस्टिंग। बट अगेन तभी समझ में आएगा जब तुम रहोगे एक बारी, तो जरूर रहना अपने नेक्स्ट ट्रिप पे। आई वुड से एक्सपीरियंस ऑन योर ओन एंड सी, या इफ यू लाइक इट देन व्हाई नॉट, राइट। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इसके बाद हम जहां जाएंगे वो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट। बाय बाय बाय। आने वाले एपिसोड्स में आप हमारे साथ देखोगे सन वॉप्टा फॉल्स का व्यू, और कोलंबिया आइस फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और इतनी ठंड में हमने क्या किया। साथ ही साथ आने वाले एपिसोड्स में आपको एडमिंटन तक का सफ़र दिखाएंगे, जहाँ पे हमने फंक्शन अटेंड किया, जिसकी वजह से ये सारा ट्रिप प्लान हुआ था। हमने क्या किया, कौन सा फंक्शन था, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन द कमिंग ब्लॉग्स। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।